स्मार्ट सिटी में मूलभूत सुविधा का भी हाल बेहाल। डीडीयू नगर के वार्ड 69 की रहने वाली अनामिका सोनी की मृत्यु सोमवार को पीलिया से हो गई थी। वहीं मृतिका का भाई भी पीलिया से ग्रसित है। इस घटना के बारे में मृतिका के पिता आरआर सोनी का कहना है कि इन सब का पूरा दोष सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि निगम के नल कनेक्शन से गंदा पानी आना हर समय की बात है। पूरे इलाके में पेयजल की समस्या बनी हुई है। गंदे पानी से ही पीलिया होता है, ये बात सभी को पता है। मेरी बेटी नहीं रही, इसकी खबर एक समाचार पत्र ने बिना बयान लिए ही छाप दी। मंगलवार को सीएमओ से कुछ लोग मिलने आए थे। पार्षद ने आकर आरआर सोनी से हाल जाना था। बारिश में तो हैविजुअल गंदा पानी आया है, बहुत मात्रा में आया था। उसके बाद साफ हुआ है। अभी कल दो दिन से फिर से गंदा पानी सप्लाई हुआ है, आज और कल। अब उसको निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की समस्या से जोड़ा जाना उचित नहीं है। समस्याएं तो हर क्षेत्र में है, पानी बहुत जगह का दूषित है। किसी के ऊपर दोषारोपण कर देने से मेरी बिटिया मुझे वापस मिलेगा नहीं। और उसको पीलिया तो हुआ, और डॉक्टरों ने कहा भी ये जलजनित रोग है, जल से ही उत्पन्न होता है। अब वो जल यहाँ का खाई कि बाहर का उपयोग की, ये जस्टिफाई करना नामुमकिन है, क्योंकि हम कई स्थानों पर जाते हैं, कॉलेज जाए, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो किस क्षेत्र का पानी उनको प्रभावित किया, ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी बिटिया छोटी बहुत प्यारी थी, और परिवार में बच्चे तो प्यारे होते ही हैं, सभी के बच्चे प्यारे होते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है कि वो रोग से पीड़ित होकर हम सबको छोड़ गई। वहीं मृतिका के घर पहुंचे वार्ड पार्षद मीना चौबे ने कहा कि गंदा पानी नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि युवती की मौत की खबर से वो हैरान है। गंदे पेयजल की समस्या के बारे में पिछले हफ्ते से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि नया पाइपलाइन बिछाया गया है। नगर निगम ने जब मितानिनों की सहायता से सर्वे कराया था, तब रिपोर्ट में पेयजल के दूषित होने के प्रमाण नहीं मिले थे। संबंधित अधिकारी को इस विषय में सूचित कर दिया गया है। मेरे वार्ड में, दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड में, बहुत ही दुखद घटना कल हुई है, जिसका मुझे बहुत दुख है, अफसोस है। चाहे किसी की भी लापरवाही से भी हो, चाहे किसी की भी गलती से हो, पर मुझे बहुत ख़राब लग रहा है इस चीज़ के लिए। मैं उस बच्ची को जानती थी, हम लगातार मिलते भी थे, बहुत ही अच्छी बच्ची थी, कहीं से वो कोई बीमार भी नहीं लगती थी, ये मैं आपको स्वयं बता रही हूँ। बहुत ही स्वस्थ बच्ची, इंटेलिजेंट बच्ची थी, मैं स्वयं उससे इम्प्रेस रहती थी, हमारी बातें भी होती थी। और रही सब पिछले समय में, जब मेरा कार्यकाल नहीं था उस समय यहाँ पे, मतलब 4 साल पहले 5 साल पहले जब पूर्व में हमारे कांग्रेस के जब पार्षद थे, उस समय यहाँ पीलिया का प्रकोप हुआ था। तो मेरी जानकारी में ऐसा आया था, जब मैं पार्षद चुन के आई, कि यहाँ पे पूरा जो ड्रिंकिंग लाइन है, वो पीने की पानी का पाइपलाइन है, पूरा नया पाइपलाइन लगाया गया है। मगर उसके बाद 4 साल में लगातार कभी गंदे पानी की शिकायत आती थी, और ये भी हमारे पास आता था कि जो पीने का पानी का जो पाइपलाइन नया बिछाए हैं, वो और सीवर लाइन आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसका भी फॉल्ट, वो उसके कारण भी गंदा पानी आता है, सीवर लाइन का पाइप कहीं पे वो हो जाता है। मगर इतना लंबा चौड़ा ये काम हुआ था, उसका फिर वो टेस्ट भी हो रहा था, वो टेस्ट जाँच कमेटी बिठाई गई थी। माननीय महापौर महोदय से हमने पूछा भी, उसका रिपोर्ट क्या है, आप सार्वजनिक कर दीजिए, एक बार सामान्य सभा के माध्यम से सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि हमको दिक्कत हो रही है, हमको भी पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया उनके तरफ से, कोई मतलब बहुत संतोषजनक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ना, ये निगम नहीं, स्वास्थ्य विभाग का ये वो था, स्कीम था, सारे मितानिन लोग वार्डों से सैंपल लिए थे, घर घर से हम सैंपल लिए थे, मितानिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग से ड्यूटी दी गई थी, वो हर घर में जाके सैंपल लिए थे, मतलब एक एक एरिया में, 9 जैसे 10-10 मितानिन है, एरिया वाइज वो लोग जाके, मैं स्वयं साथ में गई थी। तो हम ये भी बोले उनको कि आप सिर्फ पीने का पानी वाला सैंपल मत लीजिए, बोर का भी लीजिए, पानी तो गंदा भी इफेक्ट तो कहीं का भी होगा, सब टाइप का पानी उपयोग कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो मेरे सामने वो दो दो शीशी लाए थे,
कम से कम 10 जगह तो मैं उनके साथ ही थी। वो लोग दो सैंपल ले गए, उसके बाद उसका लैब टेस्ट हुआ, तो लैब टेस्ट में भी हमको यही बताया, हम यही पूछना ही तो जानेंगे उनसे, तो हम लैब टेस्ट में भी हमको यही बताया गया कि सब क्लियर है। नगर निगम के जो एक्सपर्ट लोग जो टेस्ट किए बोले यहाँ की पानी में कोई दिक्कत नहीं है, बोले वो लोग पूरे रायपुर शहर में सिर्फ दो जगह ऐसे वाला दिक्कत आया है, पर दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड के पानी में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि डीडी नगर में पिछले 4 सालों में पीलिया से 14 मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने पेयजल की समस्या के बारे में बताया कि नल कनेक्शन की पाइपलाइन सीवरेज के साथ ही लगी है, जिसके कारण कभी भी पाइप फटता है तब पानी में कीड़े और गंदगी देखने को मिलती है। डीडी नगर निवासी धर्मा राव ने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस पानी का उपयोग करना ही छोड़ चुके हैं, सीधे बोर का पानी ही पीने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब इस समस्या के आदि हो चुके हैं। ये वो तो अभी तो कम से कम हम 5-7 साल हो गए इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी बरसात आता है तो इसमें स्टार्टिंग तो कम से कम आधा घंटा तो गंदा ही पानी निकलता है, उसके बाद तब जाके कहीं नहाने के लायक और कपड़ा धोने के लायक पानी इस्तेमाल आता है। तो मतलब पीने खाने के लिए तो बिल्कुल ही कोई यूज ही नहीं करता, लगभग यहाँ तो 80% 90% लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं इसका। जो भी आता है तो बोर से वहाँ स्टार्टिंग स्टार्टर प्लग रहता है, वहाँ से चालू करके जमीन का पानी से यूज होता है। पाइपलाइन तो बिछाया हुआ है लेकिन वो बिछता है, फिर बड़े बड़े गाड़ियों का आना जाना होता है और टूट जाते हैं, तो फिर वहाँ से जो लीकेज ओवरसीज होता है फिर वही पानी नल में आता है। For more information, log on to www.clips.in.